नेक्स्ट स्टेट की बात की जाए तो गैस के बाद जो स्टेट आती है वो आती है लिक्विड स्टेट। और लिक्विड स्टेट के अंदर जो है हम वो जनरल प्रॉपर्टीज लिक्विड की पढ़ चुके हैं। हम फिर डायरेक्टली जो है वो विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन के ऊपर आ जाते हैं। विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? विस्कोसिटी और फ्रिक्शन एक ही चीज़ है, विस्कोसिटी और फ्रिक्शन एक ही चीज़ें हैं। फ्रिक्शन हम बात करते हैं इन सॉलिड सॉलिड मटेरियल्स के अंदर, फ्रिक्शन की हम बात करते हैं सॉलिड मटेरियल्स के अंदर। और वही फ्रिक्शन अगर लिक्विड के अंदर मौजूद होगी तो हम उसे कहते हैं विस्कोसिटी, उसे हम क्या बोलते हैं विस्कोसिटी। यानी अपोजिशन ऑफ फ्लो, फ्लो को अपोजिट करना, किसी भी फ्लो को अपोजिट करना इन लिक्विड मीडियम, दिस इज़ कॉल्ड विस्कोसिटी। इसको हम विस्कोसिटी से डिफाइन करते हैं। विस्कोसिटी का एक फार्मूला होता है जिसे हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ विस्कोसिटी। स्ट्रेस किसके बराबर होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन किसके बराबर होता है? वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस के, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस के। स्ट्रेस जो है यहाँ पर जो फोर्स पर यूनिट एरिया लिखा हुआ है, प्रेशर का भी यही यूनिट होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर और स्ट्रेस में फ़र्क क्या होता है? फार्मूलाज सेम है, यूनिट्स भी सेम है, तो फिर प्रेशर और स्ट्रेस में फ़र्क क्या होगा? प्रेशर और स्ट्रेस का फ़र्क इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनें और आप नहीं चाहते कि आप डॉक्टर बने, या जिस जो आपके पेरेंट्स जो जो चीज़ चाहते हैं आप वो चीज़ नहीं चाहते हैं। किसी भी फील्ड के अंदर मैं बात कर लेता हूँ, अगर हम डॉक्टरी की बात कर लेंगे, अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने लेकिन आपका दिल नहीं है कि आप किसी और फील्ड के अंदर जाएँ, तो यानी आपके पेरेंट्स आपको प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको प्रेशर दे रहे हैं, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है कि आपके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, जिसके नतीजे में क्या है कि आपके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। तो प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल होता है और स्ट्रेस जो होता है वो इंटरनल होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने यहाँ लिखा कि फोर्स अपॉन एरिया, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा कि एफ मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई बाई वी, ठीक है, ये किसका फार्मूला निकल के आ जाएगा? विस्कोसिटी का फार्मूला। बुक के अंदर ये मेंशन नहीं है, लिहाजा आप इसको याद रखें तो अच्छा है। पेपर में नहीं आया है लेकिन कॉन्सेप्ट आपके मालूम होना चाहिए कि विस्कोसिटी का फार्मूला क्या होता है और उसका यूनिट क्या होता है। यूनिट इसको हम कहते हैं पॉइज, विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? पॉइज। इसी तरह अगर हम सरफेस टेंशन की बात करें कि सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है और किस चीज़ के बराबर होती है, तो सरफेस टेंशन जो है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ या फिर एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ या फिर एनर्जी पर यूनिट एरिया, दिस इज़ कॉल्ड सरफेस टेंशन। डेफिनेशन जो है वो आपने पढ़ी हुई है सरफेस टेंशन की, पेपर के अंदर वो डेफिनेशन जस्ट दो लाइनों की डेफिनेशन पूछी जाती है, लेकिन फार्मूलाज यहाँ इंपॉर्टेंट है सरफेस टेंशन के, कि फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड एनर्जी पर यूनिट एरिया। और एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो पेपर के अंदर सरफेस टेंशन के हवाले से पूछी जाती है वो रीजंस आते हैं कि अ फ्री फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल, तो किसकी वजह से होता है? कैपिलरी एक्शन किसकी वजह से होता है? तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो किसकी वजह से होती हैं? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। ये एमसीक्यूज पेपर में आता है कि रीजंस की फॉर्म में पूछते हैं कि कैपिलरी रिएक्शन इज़ ड्यू टू डैश सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, फला फला फला, तो आपने फिर क्या आंसर लगाना है? सरफेस टेंशन। इसी तरह जो फ्री फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड भी किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो ये एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, पेपर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जो है नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है वो आती है वेपर प्रेशर की, लेकिन वेपर प्रेशर मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। जब हम चेंज ऑफ स्टेट पढ़ेंगे फ्रॉम गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड एंड सॉलिड टू गैस, तो उसके अंदर फिर हम वेपर प्रेशर को डिस्कस करेंगे। जिस डेफिनेशन पेपर के अंदर आती है लेकिन कॉन्सेप्ट जो है फिर हम वो चेंज ऑफ स्टेट के अंदर जो मैं एक साथ आपको पढ़ाऊँगा तो उसके अंदर फिर हम वेपर प्रेशर की डेफिनेशन को, ये कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद जो है वो फिर नेक्स्ट स्टेट आती है हमारे पास जो कि आती है सॉलिड स्टेट।